हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बच्चे होंगे। तो ये दिवाली से पहले का व्लॉग है। हम लोग गए थे मॉल में, हमें बैग लेने थे दो। मेरा बेटा है जो वो बाहर गया था, तो ये बहुत दिन का व्लॉग पर मतलब पहले का रखा, दीपावली से पहले का, तो अभी डाल रही हूँ। तो हम लोग बैग देख रहे थे वही, तो इसके जो नीचे व्हील लग रहे हैं ना, उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। मतलब देखा था कि इसको मतलब राउंड राउंड घुमा रहा था, देख रहा था। लिए हमने दूसरे थे, बट देख रहे थे मतलब शुरू शुरू में। फिर ये हमने इस पे मतलब एक अलग से लॉक आता है, तो वो उन पे नहीं था, उन पहले वालों पे, तो ये इस पे ही था। और इसमें भी बस ये है, एक यही कलर बचा हुआ था और तो सारा सेल हो गया था। तो इसमें फिर हम ये वाला ब्लू वाला ही लेके आए थे, तो इसी को चेक कर रहे थे। अभी हम लोग यहीं पे खड़े थे, मैं और मेरा बेटा और अंजलि, तीनों गए थे। अंजलि कॉलेज से सीधी आई थी, हम लोग पहले ही चले गए थे। तो अभी उसी पे डिस्कस चल रहा है कि कौन सा लेना है, कौन सा TC लॉक आता है कुछ, मतलब जो अब्रॉड जाते हैं ना, तो उसके लिए मतलब वो सेफ़ होता है वो वाला लॉक वाला बैग। तो बस इसी में था वो TC लॉक, तो उसी की वजह से हमने फिर यही लिए थे। ये ब्लू वाला ही पीस बच रहा था, इसमें और कलर नहीं थे। वरना कलर तो जो फर्स्ट बार जो देखा था ना, वो वाला पसंद आया था, बट वो था नहीं उसमें, उसमें TC लॉक नहीं था, तो इसीलिए फिर वो कैंसिल कर दिया। और फिर हमने ये ब्लू वाले लिए थे, और मॉल से और कुछ भी चीज़ लेके आए थे, मतलब जिस जो जो इसको रिक्वायर थी इसको वहाँ ले जाने के लिए, तो वही लेके आए थे। तो अभी हम खड़े थे, अभी मैं बोल रही थी कि और देख ली, यदि मतलब इसमें कलर मुझे थोड़ा सा डार्क कलर था, तो मैं वही देख रही थी कि इसमें अगर कुछ थोड़ा कलर चेंज मिल जाए तो। और एक इसको ये पिट्ठू वाला बैग भी लेना था। फिर ये वाला बैग तो हम मार्केट से लेके आए थे, यहाँ से नहीं लिया। फिर सिर्फ ये दो बैग लिए थे, और छुटपुट जो भी नमकीन वगैरह इसको ले जाने थे वो लिए थे। ये सारे सफारी के ही थे, जो हम लेके आए थे वो वाले भी सफारी के ही थे। सफारी के बैग अच्छे रहते हैं, मतलब बोलते हैं कि मतलब अच्छे क्वालिटी बढ़िया होती है इनकी। तो ये पिट्ठू बैग तो नहीं लेके आए यहाँ से, कुछ प्लेट वगैरह लेके आए थे, कुछ नमकीन लेके आए थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये अभी रिलायंस का मतलब हमारे यहाँ अभी खुला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 4 से 5 मंथ हुआ है बस। तो मैं तो इसमें फर्स्ट टाइम आई थी ये बैग लेने के लिए, तभी मैं इसको देख के गई थी मतलब फर्स्ट टाइम। और इधर ये अंजलि है, ये भी अभी कॉलेज से आई थी। इसको तो बस कुछ ये भी बोली कि मैं भी देखाऊंगी, मतलब न्यू न्यू खुला था, पहली बार ये आई थी, ऐसे अकेली जाते नहीं। तो बस हम लोग यहीं खड़े हुए हैं, और जैसे भी जो भी वीडियो, टाइम नहीं मिला मतलब वीडियो बनाने का यार, वीडियो थी बट ये सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ। तो अभी इसी भैया से मतलब डिस्कस कर रहे थे, भैया बोले कि इसमें मतलब एक और है क्या, मैं पूछ दूँगी, क्योंकि हमें दो लेने थे इसीलिए। और लार्ज वाला लिया नहीं, ये मीडियम वाले हैं, क्योंकि लार्ज का एक इनका वेट होता है ना, वो मिनिमम होता है। और फिर लार्ज वाला लेते तो उनमें खुद में इतना मतलब 5 से 6 kg वेट खुद में ही हो जाता है। इनमें 3-3 kg था इनमें मीडियम वालों में, तो दो मीडियम वाले ले लिए। तो अभी ये भैया मतलब पूछ रहे थे नीचे कि मतलब एक और इसमें मिल जाएगा क्या, इनको दो लेना है, तो बस वही देख रहे थे। और ये क्लिप पता नहीं कैसे, क्या कहाँ कैसे बनी नहीं पता मुझे, वहीं की चल रही है अभी। तो बैग का फाइनल हो चुका था, उनको बोल दिया था। और फिर हम मॉल में देखने लगे, जो जो चीज़ इसको चाहिए थी वही देख रहे थे बस, जैसे लोशन वगैरह इन पे भी मतलब ऑफर आ रहा था। और ये अंजलि ये देख रही थी नेल पेंट, क्योंकि मैं तो ले आई थी करवा चौथ पे, बस ये ऐसे ही चल रहे थे, सामने दिख गई तो ये देखने लगी। और ये देखो पूरे मतलब बॉडी लोशन वगैरह और शैम्पू वगैरह, ये पूरे सब पे ऑफर अच्छा खासा था, बट मैं लेके नहीं, क्योंकि हम तो कैंटीन से ले आते हैं ऑयल वगैरह और ये लोशन वगैरह, तो जो जो मतलब यहाँ से लेना था वही लिया था बस। ये दो कोकोनट वाले बिस्किट के पैकेट लिए थे, ये एक पे एक फ्री था, ऑफर था इन पे भी, तो ये कोकोनट वाले दो बिस्किट के पैकेट लिए थे। ऑफर चल रहा था, दीपावली पास थी, तो आपको पता ही है दीपावली वगैरह पे ऑफर वगैरह चलते ही रहते हैं। तो ये बिस्किट अच्छे थे, मतलब मैं लेके आई थी, मैंने फर्स्ट बार मतलब पहले जो होता है ना विशाल मेगा मार्ट से ही लेते थे, इसमें तो मैं फर्स्ट बार ही आई थी, तो इसीलिए बस देख रही थी। आप भी घूम लो मेरे साथ साथ। और ये सारे मतलब बिस्किट का ही अपार्टमेंट था इधर, बट मैंने लिए कोकोनट वाले थे जो फर्स्ट में दिखाए हैं वही, क्योंकि ये खाते नहीं ये लोग, ये तो कम मीठे वाले आते हैं डाइजेस्ट, तो वही लिए थे मैंने कोकोनट वाले। और ये देखो दीपावली थी ना, तो दिए वगैरह
सजे हुए जो दिए वगैरह आ रहे थे, छोटी छोटी प्लेट आ रही थी वो देखो पूजा के लिए। तो मैं बस वही जो 99 में थी सारे, ये छोटी वाली भी 99 की थी, बड़ी वाली भी 99 की थी। मैं ये दिखाती थी, ये साइड में मोमबत्ती हैं सारी, और ये मैंने बस शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया था, तो ये क्लिप भी इसी में डल गई। इसमें सारी दीपावली से रिलेटिव गिफ्ट वगैरह और मोमबत्तियाँ और ये प्लेट वगैरह यही थी इसमें सारी। और ये मतलब सही थी, वो छोटी वाली कुछ ज़्यादा ही छोटी थी पूजा वगैरह करने के लिए, लेकिन ये मीडियम साइज़ की थी। और ये अंजलि कुरकुरे वगैरह ले रखे हैं अपने खाने के लिए, यहाँ से तो बस नमकीन वगैरह लेके आए थे। और ये देखो मोमबत्ती है, कितनी मस्त वाली मोमबत्ती है। अच्छी इनका भी पूरे 99 का था ये पैकेट, ये भी मोमबत्ती का भी फाइव थी या सिक्स मोमबत्ती की थी इसमें। और ये चॉकलेट के लिए बोल रही थी कि मेलोडी मेरे को ले दो, तो वही देख रहे थे। बस मॉल में जाने के बाद जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, देख के फिर वो चीज़ें भी घर में आ जाती हैं, ना 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 करते करते भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो आ ही जाता है। ये हमारी ट्रॉली रखी थी, तो इधर सब्जी का अपार्टमेंट था, तो ये बोल रही थी कि मेरे को जो फ्राई करने वाले कुरकुरे आते हैं ना वो ले दो, तो बस वही देख रहे थे। मैं इसको बोल रही थी देख ले कौन से वाले लेगी, तो 65 रुपये के जी थे। तो ये माइक्रोनी थी साइड में, और साइड में इसके साइड में ही वो थे फ्राई करने वाले, इसमें चावल वगैरह सारे ही थे इधर, तो बस यहाँ से तो वो फ्राई करने वाले ही लेके आए थे। मैं बोल रही थी अंजलि से कि डाल ले यहाँ वेट कर ले, साइड में ही वेट की मशीन लगी हुई थी, तो वेट कर लेना जितने चाहिए। आधा के जी लेके आए थे, आधा के जी में भी काफ़ी आ जाते हैं, मतलब अभी तक पड़े हैं, दीपावली पे एक बार फ्राई किए थे बस, तब के पड़े हुए हैं। और व्लॉग ये बहुत पहले का है, दीपावली से मतलब कम से कम भी दीपावली से 6-7 दिन पहले का वीडियो है, ये पड़ा हुआ था पहले, मतलब डालना नहीं था, मेरा बेटा बाहर गया तो उसके बाद ही डाला, इतने शॉपिंग का मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। और ये सारे नमकीन वगैरह ले लिए हैं सारे, जिस जिसकी भी मतलब इसको ले जाने हैं वो सारे, आलू भुजिया मिक्स नमकीन, मूंग दाल नमकीन, सारी तरह की थी कुछ। इसको परफ्यूम लेने थे तो 5 परफ्यूम लिए थे इसने, तो वो भी यहीं से मतलब रिलायंस मॉल से ही लेके आए थे। तो अब बिलिंग पे आ गए हैं, और इनका पता है मतलब विशाल मेगा मार्ट से इसका सही है, मतलब वहाँ जो है ना ये बिलिंग वाले बस 2 या 3 काउंटर हैं, और यहाँ अच्छा अपना 6 से 7 काउंटर है, मतलब उतना लंबी भीड़ नहीं लगती। तो अभी भैया ये स्कैन कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसकी वारंटी वगैरह सब कुछ है, वो उसको सुमित को समझा रहे थे कि ऐसे कार्ड लेना है, इसका स्कैन कर लेना, इनको बता रहे थे सारा मतलब। तो ये सुमित समझ रहा था इसका लॉक वगैरह सब चीज़ें। तो अभी हम बिलिंग वगैरह करके बाहर आ गए सारे, और ये अंजलि स्कूटी पे बैठी है, उसको बाइक पे आई थी। और ये देखो बाहर से कुछ ऐसा लुक है इसका रिलायंस मॉल का, तो अभी चलते हैं घर पे, और थक चुकी थी तो घर पे आ गई हूँ मैं। अभी अंजलि से इनके नए नए बैग आए थे, तो इससे टीका करवाया था, और इससे धागमोली वाला धागा बंधवाया था। तो अभी अंजलि अब वही कर रही है, और ये आई थी अपनी मतलब कॉलेज से, तो सीधा ही आ गई थी, खाना वाना नहीं खाया था, तो अभी ये धागा बांध रही है, मेरी साइड देख रही है कैसे कानी कानी सी। घर में कोई भी नई चीज़ आती है तो मतलब हम लोग करते हैं, हम क्या सभी करते हैं घर में, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसकी पूजा वगैरह जो जो मतलब हमारे इंडियन लोगों के घर में होता है वो सबके ही होता है। तो बस ये अभी धागा बांध रही है, और क्या क्या लेके आई, शायद लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं अभी देखूँगी कैसे कितना, अगर ज़्यादा लंबा होगा तो मैं 2 पार्ट में करके डाल दूँगी। अब आगे वीडियो में दिखाऊँगी आपको क्या क्या लेके आए थे वही सब। तो अभी इसने धागा बांध दिया था और छींका लगा दिया था। और मेरा बाहर जाना मतलब मेरे आना जाना वाला काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पैरों में इतना दर्द होने लगता है। तो ये अभी टीका लगा रही थी, मंदिर में बैठी थी, घर में रह के कितना भी काम करवा लो कर लूँ, बस मेरे को घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे से घुमा फिरा नहीं जाता, पैरों में इतना पूरा दर्द होने लगता है, बस पूछो ही मत। और मॉल में तो कहीं बैठने को भी जगह नहीं होती, तो वैसे ही मेरा तो मूड दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर इतनी बुरी तरह पैर टूटने लगते हैं। मैं इसको पता वैसे इसको पता है मतलब स्वास्तिक वगैरह बना लेती है, तो ये वही कर रही थी अभी इस पर। और आप लोगों को कैसा लगा बैगों का कलर, मुझे थोड़ा पहले वाला अच्छा लगा, सुमित को तो यही अच्छा लगा, उसको तो ये अच्छे लगे और अच्छा लग रहे हैं वैसे।
तो चलिए अभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आपको क्या क्या ख़रीदारी की और क्या क्या मॉल से लिया, क्या क्या बाहर से लिया। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहले आए तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए फिर मिलते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए।